हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसकी हम आज जस्ट डेफिनेशन और बेसिक्स करने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। और डेफिनेशन देखने से पहले मैं कंप्यूटर और नेटवर्क को भी दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, कंप्यूटर आप सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो और नेटवर्क को भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लो, नेट एंड वर्क। नेट को हिंदी में क्या बोला जाता है? मतलब जाल। ठीक है, ये एक जाल है। जाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेट। ठीक है, बॉलीवुड वॉलीबॉल का नेट होता है, आपको पता है। ठीक है, इन सब के नेट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वो जाल होता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क क्या होता है? एक प्रकार का एक जाल होता है। और यहाँ पे इसके साथ क्या लगा है? कंप्यूटर नेटवर्क। तो मतलब इसका यहाँ से क्या निकलता है इसकी डेफिनेशन, कि ये एक कंप्यूटर का जाल है। कंप्यूटर नेटवर्क से हमने यहाँ पे डेफिनेशन ऑलमोस्ट बना दी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर का एक जाल होता है। फिर भी अब यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम। इसने भी क्या बोला? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? दो कंप्यूटर या उससे भी ज्यादा कई कंप्यूटर जो आपस में क्या हो? इंटरकनेक्टेड हो, जो आपस में जुड़े हुए हो, जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हो, वो कहीं से भी कैसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, यू कैन एस्टेब्लिश अ कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग केबल और वायरलेस मीडिया। ये क्या जो यहाँ पे मैंने देखी, ये आपस में एस्टेब्लिश किए, कनेक्ट किए, ये क्या एक प्रकार की वायर लगी हुई है। ये कोई भी वायर हो सकती है, ऑप्टिकल वायर, ठीक है, इंटरनेट वायर, कोई भी वायर। और वायरलेस के थ्रू भी हम करते हैं, जैसे कि हमारे पास दो मोबाइल होते हैं, उनको हम आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं थ्रू वायरलेस मीडिया। ओके, तो इस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क की हमारे पास डेफिनेशन क्लियर होती है। ठीक है, अब इसके आगे हम यहाँ पे देखते हैं पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एक टाइप से ऐसे आइडिया ले लेते हैं कि कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो होता कैसा है देखने में। अब देखिए, ये एक टाइप का कंप्यूटर नेटवर्क है। यहाँ पे क्या है? ये इंटरनेट है। ठीक है, और यहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है। फायरवॉल ये होती है एक एक टाइप की, जैसे कि वॉल क्या होता है? दीवार। एक टाइप की ये भी दीवार ही होती है, जो कि क्या करती है? वायरस वगैरह, अटैकर वगैरह, हैकर वगैरह को आपके अंदर नेटवर्क में घुसने से रोकती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नेटवर्क यहाँ पे लगा हुआ है, हमारे पास मॉडेम लगा है। मॉडेम से कनेक्शन लैपटॉप को भी गया हुआ है, मोबाइल को भी गया हुआ है, पीसी को भी गया हुआ है, टैबलेट को भी गया हुआ है, लैपटॉप को गया हुआ है, फिर से पीसी को गया हुआ है, प्रिंटर को गया हुआ है। तो ये एक टाइप का क्या बन रहा है? नेटवर्क यहाँ पे बन रहा है, जिसमें क्या हो रही है? दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में इंटरकनेक्ट है। ठीक है, वही डेफिनेशन वाला सा किताब आ गया यहाँ पे डन। और एक और यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, सॉरी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाला, ये भी एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। देखिए देखिए, इसमें कुछ अलग तरीके से यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क बना हुआ है। अब इसमें क्या है? ये आईएसपी है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आपकी एयरटेल वगैरह, क्योंकि आप जो नेट है वो कहाँ से लेते हैं? इन्हीं से लेते हैं, आईएसपी से। अब देखो, आईएसपी राउटर के थ्रू कनेक्ट कर रहा है हमारे पीसी को। ओके, यहाँ पे भी देखिए कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए सर्वर को कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? आपस में कनेक्ट कर रहे हैं सर्वर के साथ, राउटर के थ्रू। ठीक है, ये हम क्लाइंट हुए। क्लाइंट कौन होते हैं? जो कि किसी चीज की मांग कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये फेसबुक का सर्वर है, ये फेसबुक का सर्वर है और फेसबुक के क्लाइंट है। ठीक है, हम क्लाइंट है एफबी की, ये एफबी सर्वर है। अगर हमको इससे अपना पेज की रिक्वेस्ट करनी है तो हम क्या करेंगे? राउटर के थ्रू, आईएसपी के थ्रू यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे और ये हमको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा हमारा अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से नेटवर्किंग चलती है। और जितने भी इसकी एडवांटेज है वो देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। वैसे अब देखिए, जितनी भी आजकल दुनिया है वो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर ही चली हुई है। अब देखिए ये करता क्या है। सबसे पहले देखिए, हेल्प यू टू कनेक्ट विद मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर टू सेंड एंड सेव इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए और सेव करने के लिए क्या करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं। सेकेंड, हम हाउ हेल्प यू टू शेयर प्रिंटर, स्कैनर एंड ईमेल। अगर हमको अपना प्रिंटर, स्कैनर वगैरह अगर अपने डिवाइसेस के साथ अटैच करने हो तो कैसे करेंगे हम? तो भी हम नेटवर्क का यूज करेंगे। और थर्ड, इंफॉर्मेशन जो शेयर होती है वो बहुत ही हाई स्पीड पे होती है। अब कैसे? सपोज कीजिए आपके पास व्हाट्सएप है, अपने अपने फ्रेंड के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी हो, आप क्या करोगे? जस्ट उसको एक मिनट में इंफॉर्मेशन प्रेस कर दोगे और यहाँ पे उसके पास एक मिनट में आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी।
है, तो इस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है, ओके, और इस टाइम से हमको ये हेल्प भी करता है। तो बाकी जो इसके जितने भी कंपोनेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आज जस्ट हमने जस्ट इंट्रोडक्शन की कंप्यूटर नेटवर्क की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।